वायरल वीडियो है जिसका संज्ञान हम लोगों ने भी कल शाम को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह पर लिया। पहले आपको वो वीडियो दिखा देते हैं, प्ले करो भैया वीडियो। ट्यूसडे को उनको अपना जो है अकाउंट नंबर आपका मुझे चाहिए होगा, मैं आपको ट्यूसडे 4 बजे इंडियन टाइम कॉल करूंगा, वो लखनऊ जाके खास हमें फोन करेगा। और एक और थी पार्टी वो त्यागी की थी, अगर आपने नाम सुना हो त्यागी की, मैं आपको बताता रहता हूँ, आरबीआई से जो रिटायर्ड है, हाँ उनकी पार्टी है, वो भी लखनऊ में है, वो 100 CR दे रहा है हमको, वो थर्सडे होना है। लेकिन ये जिसने 18 दिया है ना, ये अपने सेट कर लिया है ना उसने, ये 21 देगा नेक्स्ट मंडे को, तो ट्यूजडे को चेक कीजिए क्या ट्यूजडे आई थिंक होगी, आज कितनी होगी, बस आज नहीं फ्राइडे होगा भैया, 16 को अपने ये 18 हो जाएगा, और 16+7 23 को अपना 21 हो जाएगा। लेकिन उसी बीच में ये लखनऊ का त्यागी जी का बंदा आ गया है 100 CR का, लेकिन ये नेक्स्ट वीक हम 18 मूव कर सकते हैं, वो डन है, ट्यूजडे आप अकाउंट नंबर रेडी रखो बस, ठीक है जी, ठीक है। नहीं मैं अभी आपको एक तो कहीं पर टेलीफोन जब आप पहुंच जाओगे वो आएगा आपको हर वीक डेल मिल है, और जैसे भी आपका DHL का लीज हो जाए मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको पेमेंट करके रखी हुई है सारी कस्टम की, तो मुझे बता दीजिएगा कि लीज हो गया, ठीक है भैया। चलिए ट्यूजडे भगवान ने सब अच्छा रहा तो ट्यूजडे इसको बुक करना, ये तो जो राजस्थान पंजाब वाली पार्टी थी ना 18-1 दिया 21-1 देना है, नहीं 18 तो आ गया है ना, बिल्कुल वो बोला बैंक मैनेजर की ट्यूजडे वो मूव कर देगा, आप यहाँ भी बोलोगे ये है 18, इसी बंदे ने 21 और देना है नेक्स्ट ट्यूजडे जिसने 18 दिया, कि आगे जी का 100 वाला वो सेपरेट है उसको भूल जाइए, वो मैं जब हो गया मैं बता दूंगा, ये 18 और 21 को रखिए अपने दिमाग में बस, वो जब 100 आ गया मैं बता दूंगा मेरे पास 100 मिल गया होता लिक्विड, ओके गुरु जी ठीक है। हेलो आ रही है आवाज, अच्छा अभी ग्वालियर में हो या वापस नहीं आ गया, अच्छा जी, अच्छा उसका भैया अपने बैंक वाले का उसका कॉन्फर्मेशन आ गया था, बोला है कि फ्राइडे तक ही आपका ये सारा 18 का 18 CR टोटल जमा हो जाएगा 4 अकाउंट, तो उसके बाद मुझे चाहिए एक अकाउंट जहाँ पे आपको या रोहित भैया को किसी को भी भेजना वो वाला, तो वो बोले कि नेक्स्ट वीक जैसे मैंने आपको टेक्स्ट किया था कि मंडे या ट्यूसडे वो इस 4 अकाउंट में से चारों ट्रांजेक्शन बना के 4-4 की 5-5 की, तो 18 वाला टोटल उस अकाउंट में डाल देंगे जहां हमें चाहिए। दूसरा उस बंदे ने बोला कि 21 जो है मेरे पास अवेलेबल है 23rd या 24th को, तो वो बोलेगी कि हम आपको देंगे आप अपने में जमा कीजिए उसके बाद आगे सेंड कीजिए जहाँ भी करना है, क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं बताया और किसको जाता है, इनकी जो है ना कि ये ट्रेडिंग फर्म है और ये माइनिंग है इनकी राजस्थान में, और मोहाली वाला तो लैंड का डीलर है, वो पॉलिटिशियंस की लैंड की करता है, ऑफिसर की लैंड की काम करता है, वहां से ये लिक्विड आता है सारे, तो फिर मुझे आप बता देना किस में भेजने हैं, तो अगर पहले बताना चाहो तो पहले बता देना, अगर उसी दिन बताना है तो उसी दिन बता देना, वो आप पे ये टोटल 39 दे रहा है हमें इस मंथ में, लेकिन वो बोले कि अप्रैल के मंथ में तकरीबन इतनी अमाउंट जो है और, ठीक है ना जी, तो उसके बाद
इंटरेस्ट नहीं देना है, 90% हमें उनको बैक कर देना है, ठीक है? तो मुझे आप पता करके यहाँ की लाइट ऑन कर दीजिए प्लीज। जिससे मोनेटो को जाना है, जिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट मोनेटो से कर सकते हैं, अपने आपके पास प्रूफ हो कि जी हमने इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, वो सेटअप कर लीजिए प्लीज। ओके ठीक है भैया। दूसरा, मैंने भाभी को उसका ट्रैकिंग भेजा था, जो पैकेज है वो डेली एयरपोर्ट पे ना वीडियो है और ये जबरदस्त वायरल हो रहा है और इसमें केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर जी बड़ी पैसे की लेन देन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हम इस वीडियो की सच्चाई की सत्यता की न पुष्टि करते न खंडन करते, वो काम जांच एजेंसियों का है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले दो बातें जरूर कहूंगी। कितनी विडंबना है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक गाना रिलीज किया है मध्य प्रदेश के लिए। वो गाना वॉशिंग पाउडर निर्मा की तर्ज पर लगाया गया है और सच को कितना भी छुपाओ ऐसे ही सच उभर जाता है कि वही वॉशिंग पाउडर है जिससे नरेंद्र सिंह तोमर, जिससे शिवराज सिंह चौहान, जिससे हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे, सुवेंदु अधिकारी, येदुरप्पा रेड्डी ब्रदर्स एक लंबी फेरिस्ट है। ये सब उस निर्मा पाउडर से नहाते हैं, अपने दाग धब्बे धोते हैं और भाजपा का हाथ थाम लेते हैं या भाजपा में होने के नाते इनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि जब आप आज इतना बड़ा खुलासा हो रहा है तो निर्मा वॉशिंग पाउडर पर एक एड बनाया है 50% कमीशन की शिवराज सिंह जी की सरकार की सच्चाई स्वतः निकल आई है। खैर, वापस इस वीडियो पर जाते हैं। इस वीडियो में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के देवेंद्र तोमर बड़े पैसों की, सैकड़ों करोड़ों रुपए की, कहीं पर 100 करोड़ सुनाई दे रहा है, कहीं पर सुनाई दे रहा है 18 करोड़ आ गए हैं, 21 और आने हैं, इसकी लेन देन की चर्चा चल रही है। और ये कोई एक बिचौलिए हैं जिनके जरिए माइनिंग के कारोबारियों का, अगर आपने सुना हो तो बार बार खनन का नाम आ रहा है, माइनिंग के कारोबारियों से करोड़ों रुपए लेने के लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट कहां कहां खोले जाए, कहां कहां हो, उसकी चर्चा लगातार सुनाई दे रही है। सनद रहे, बस याद रहे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी इस्पात और खनन के मंत्री भी रह चुके हैं मोदी सरकार में, और ये डायरेक्ट पैसा लेने की बात खनन के, माइनिंग के कारोबारियों से हो रही है। इस वीडियो में रिटायर्ड आरबीआई के कोई अधिकारी है त्यागी जी, उनसे भी 100 करोड़ लेने की बात हो रही है। कोई हरप्रीत गिल और डीएचएल नाम की फर्म के संचालक से भी पैसा लेने की बात हो रही है। और जैसा कि आपने सुना, देवेंद्र भैया को बार बार भैया और गुरु जी कहकर बिचौलिया संबोधित कर रहा है। रोहित भैया के किसी शख्स को पैसा देने की बात हो रही है और राजस्थान पंजाब के कोई ट्रेडिंग फर्म है, कोई खनन के फर्म है, उनकी बातें चल रही है। इस वीडियो में एक पार्सल की भी बात हुई और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसमें कहा गया भाभी जी, अब वो भाभी जी नरेंद्र सिंह तोमर जी की पत्नी की चर्चा चल रही है या देवेंद्र तोमर जी की पत्नी की चर्चा चल रही है मैं नहीं जानती, लेकिन एक भाभी जी जो कि तोमर ही खानदान से संबंध रखती हैं, संभवतः उनकी पत्नी है, उनके नाम एक पार्सल पहुंचाने की बात हो रही है और बिचौलिया कह रहा है कि एड्रेस प्रूफ चाहिए कृष्ण मेनन मार्ग का, और देवेंद्र भैया कह रहे हैं एड्रेस प्रूफ तो जी हमारे घरों का है, कृष्ण मेनन मार्ग का नहीं है, पासपोर्ट है। याद रहे
तीन कृष्ण मेनन मार्ग पर नई दिल्ली में लुटियंस दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर जी की कोठी है और ये कोठी ठीक दो कृष्ण मेनन मार्ग श्री अमित शाह जी के घर के जस्ट सामने है। ठीक सामने वाली कोठी नरेंद्र सिंह तोमर जी की है तीन कृष्ण मेनन मार्ग की, जिसका एड्रेस प्रूफ संभवता उनके परिवार के पास नहीं है और इसलिए वो कह रहे हैं एड्रेस तो हमारे घर मतलब ग्वालियर का होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये 100 करोड़, ये 39 करोड़, 18 करोड़, 21 करोड़, ये क्या पैसा है, ये किसका पैसा है, ये कौन दे रहा है, ये क्यों दे रहा है? जिस पैसे का जिक्र किया जा रहा है, क्या इस पैसे को सार्वजनिक किया गया है? ये खनन के कारोबारी कौन है और वो देवेंद्र भैया को पैसा क्यों दे रहे हैं? सवाल इस बात का है। असलियत ये है कि ये पैसा मध्य प्रदेश के किसानों का, मध्य प्रदेश के गरीबों का, मध्य प्रदेश के मजदूरों का, मध्य प्रदेश के युवाओं का, मध्य प्रदेश की महिलाओं का पैसा है, जिसको लूटकर संभवतः तोमर वंश, तोमर खानदान, नरेंद्र सिंह तोमर जी का परिवार अपनी तिजोरियां भरता दिख रहा है। क्योंकि सवाल ये उठता है ये पैसा कौन दे रहा है भाई? 100 करोड़ किसी को आप क्यों दे रहे हैं? वो कौन से बैंक अकाउंट है जिसमें आप 100 करोड़ रुपए देने को तैयार है और क्यों तैयार है? किसका पैसा है, किस लिए दिया जा रहा है? एक खनन का कारोबारी इनको पैसा क्यों देगा? अब बात आती है मोदी जी पर। मोदी जी को तो ईडी खेलने का बहुत शौक है। एक वो गाना आया था, ये इलू इलू क्या है, इनसे पूछा जाना चाहिए ये ईडी क्या है। मोदी जी को ईडी खेलने का बहुत शौक है। जब घबराते हैं और बौखलाते हैं और संकट में होते हैं तो हम और आप अपने इष्ट को याद करते हैं, वो ईडी को याद करते हैं। और जो नंगा नाच ईडी ने राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान किया है वो सबके सामने है। मनगणंत आरोप लगा लगा कर ईडी को छोड़ा हुआ है मैदान में और ईडी ये चुनाव लड़ रही है भाजपा के बिहाफ पर। तो ईडी खेलने का इतना शौक है। तो आज सवाल ये है कि जब वीडियो प्रूफ यहां पर अवेलेबल है, ईडी कब आएगी नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे? सीबीआई और इनकम टैक्स कब आएंगे नरेंद्र सिंह?